केले के कंसा काट रहा है ये हमारा मित्र। अरे दिए बचे, ये बचे इतना दूं दूं। ये छोटे छोटे बच्चे ये मतलब काट दे, ये मतलब ये मतलब काटा, ये मतलब काटा। बचना नहीं चाहिए। अब थोड़ा से ये मतलब ना यहाँ से काट दोस्त है ना। ड्रिप पेपर निकाल ले कर, ड्रिप पेपर निकाले ना ऊपर से। हाँ उस साइड रख ले, हाँ इसे ज़्यादा नीचे भी मत करना। छोटे छोटे मतलब ना छोड़ना मत है, नहीं एठो नहीं बचना चाहिए मन। हाँ केले का कंसा कटाई चल रहा है यहाँ पे। ये छोटी छोटी फूटे हैं, इनको काटा जा रहा है क्योंकि ये खातू ज़्यादा खाती हैं। फिर केले में ये देखिए, ये इनको काटने से ही केले में निकलेगा खाम, और इनको नहीं काटोगे तो नहीं निकल पाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे था, इसको काट डालिया डाला इसको से। काफ़ी बड़ा केला हो गया है, और इसमें यहाँ पे केले में ये भी निकल गया है, फल आ गया है इसमें, धीरे धीरे निकल रहा है। और ये ड्रिप और ये कंसा, ये मेरे किसान भाइयों इसको काटना बहुत ज़रूरी है। देखिए और ये ड्रिप है यहाँ पे, देखिए अब अच्छा लग रहा है, और इस लाइन में भी अच्छा लगेगा आपको। और इस लाइन का भी कंसा कटा नहीं है, कंसा बिगर कटे ऐसा दिखता है, कटने के बाद में ऐसा दिखता है। इसको काटना ज़रूरी है क्योंकि ये जो कंसा है पूरा खाद को खा देता है, और यहाँ बेसल भरा हुआ है, हम लोग पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं, और इसको काटना बहुत ज़रूरी है। और ये पेड़ धीरे 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 मोटाई पे आएगा, और ये पत्ता हमने काटे थे जानबूझ के इसको मोटाई करने के लिए, इसको ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और ये ऊपर से तना मोटा हो जाएगा। ये G9 केले का वेराइटी है, और काफ़ी बढ़िया वेराइटी है ये, देखिए अब काफ़ी इसमें अच्छा निकलेगा, पैदावार इसमें आएगा। और हम आपको बाहर से दिखाते हैं, आइए कहीं कहीं ये निकल गया है। ये देखिए कंसा बहुत सारी हैं, आज हम लगाए हैं लेबर इसमें काम करने के लिए। ये देखिए तो इसमें हम और यूरिया पोटाश जिस दिन छिड़क के पानी डालेंगे उस दिन आपको दिखाएंगे कि पोटास वगैरह कैसे डाला जाता है इसमें। ये देखिए किसान भाइयों कुछ पीली पत्ती आ गई इसमें, और कंसा बहुत निकल गई इसके बगल से, ज़्यादा कंसे निकली हुई है। ये देखिए बहुत ज़्यादा कंसा है, इनको काटना ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, इनको काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे खाद को खाते रहती हैं, और पेड़ में वृद्धि कम होती है क्योंकि मैन खुराक इनको ये लोग ले लेती हैं। और ये देखिए केला कहीं कहीं अच्छी जगह निकल चुका हमारा केला, ये देखिए देखिए किसान भाइयों, देखिए तो काफ़ी बढ़िया पोजीशन में है अभी केले को।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ दस गुच्छे के आसपास समथिंग समथिंग हमारा है वैरायटी, ये देखिए। और इसमें एक चीज़ और किसान भाइयों, ये देखिए धीरे धीरे ये जो है ना, ये हाँ ये काला काला पता नहीं क्यों आ रहा है, इधर सड़न हो गया है इसमें, मेरे हिसाब से बुलाना पड़ेगा डॉक्टर को, और स्पेशल डॉक्टर में लगाए हम लोग। और मेरे हिसाब से जहाँ तक ये है, इसमें हम लोग काट चुके थे, देखिए ये काटने के बाद, कंसा काटने के बाद ही इसमें पेड़ मोटाई हुआ है, और मोटाई होने के बाद भी ये खाम आई है ना। और इस चीज़ को ध्यान रखना किसान भाइयों, क्योंकि अन्य पेड़ों में देखो कंसा है, अभी ये टाइम है इनका, सीजन है निकलने का, और इनको बार बार काटो आप, ये बार बार ये आ रही है, देखिए बड़ी बड़ी हो गई है कंसा है ना, तो इस चीज़ को बार बार काटो आप। और ये पेड़ में हम स्प्रे अब छिटवाते हैं, क्योंकि इसमें अब कुछ फंगस वगैरह आ गया है, और देखिए ये कितनी मोटी मोटी हो चुकी है, ये दिखाने के लिए मैं आपको इधर आया था, और काफ़ी लंबी और बड़ी हो चुकी हैं, तो इनको जब तक आप काटोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और केले में तो इनको बार बार इनको काटना ही पड़ेगा, ये बार बार आती हैं, और बार बार आने से आपकी खुराक को फिर नीचे जो बेसल भरते हो आप उसको खाते रहेंगी, ये ज़रूरी है इसको काटना किसान भाइयों। और ये केला G9 वैरायटी है, पहली बार इस खेत में लगा इधर यहाँ पे, और हम जहाँ लेबर काम कर रही है वहीं पे आ गए हैं फिर से दोबारा। और ये देखिए कितना शानदार मतलब पेड़ लग रहा है काटने के बाद में, और नहीं काटोगे तो इस प्रकार नज़र आते हैं, और थोड़ा प्लांट को शोभा नहीं देता, और अपने अच्छा नहीं लगता, और दूसरी चीज़ खुराक को खाते रहती है, तो इस चीज़ को हमको नहीं करना है किसान भाइयों, ये ज़रूरी देखना है हमको। और ये देखिए केले में किस प्रकार फिर खाम लग रहा है, देखिए ये देखिए किसान भाइयों, काफ़ी बेहतर प्लांट ग्रोथ कर रहा है, और हरा भूरा दिख रहा है ये। और इसमें किसान भाइयों, इसमें एक महीने के अंदर पूरे में खाम निकल जाएगा, ये देखिए पौधे पूरे बढ़िया तैयार हो चुके हैं मस्त, केला G9 की वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी। और ये देखिए ये कंसा बार बार निकलते रहती हैं, ये गांठ, ये तो केले की आदत है, ये देखिए ये निकल रही है छोटी छोटी फूटें, तो ये सब है। और इसमें बीच में बेसल भरे हम लोग यहाँ पर, और ये बगल से ड्रिप है, ड्रिप को भी थोड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिप को इस साइड से लेना पड़ेगा, गर्मियाँ आ चुकी हैं ना। और अब आपको पार्ट टू में वीडियो में दिखा बहुत सारी जानकारी देंगे किसान भाइयों, और लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और चैनल को कमेंट करो, और बताओ कुछ अगर हमसे कमियां हुई हैं तो हम उसको पूरा ज़रूर करेंगे किसान भाइयों आपके लिए। और ये देखिए पूरा काफ़ी बेहतर प्लांट मेरे हिसाब से तो लग रहा है, ये मुरुम के खेत में है, काफ़ी बढ़िया प्लांट अभी चल रहा है। और बाकी आप कमेंट करके बिल्कुल बताना किसान भाइयों कैसा लगा आपको, देखिए। और जहाँ आप केला लगाते हो मैं बोलूँगा आपको प्लाऊ मार के मेड़ वेड़ अच्छे बना के सब लगाओ उसके बाद में आप। धन्यवाद किसान भाइयों, आप कमेंट करके बिल्कुल बताना हमको आप।